हेलो फ्रेंड्स, तो आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एज पर द इट्स प्रिम्बल, आरबीआई कैन नॉट हैव मोर देन डैश डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के पास दोस्तों कितने से ज़्यादा गवर्नर डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते? तो इसका राइट आंसर है 4। आरबीआई के पास दोस्तों 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। बात करते हैं दोस्तों, अभी के जो प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के, शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का जो दोस्तों सेटअप हुआ था दोस्तों, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा हुआ था, जो कि दोस्तों अप्रैल 1935 में आया था, और आरबीआई एक्ट को दोस्तों 1934 में, एक साल पहले ही लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर जो आरबीआई के थे दोस्तों, सीडी देशमुख थे। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट हम किसे कहते हैं? इसको हम दोस्तों री डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बैंक रेट को? री डिस्काउंट रेट, एट विच आरबीआई गिव फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक, जिसपे दोस्तों आरबीआई फाइनेंस देता है किसको? कमर्शियल बैंक को, जो एक रेट निर्धारित करता है कि इस रेट पे आरबीआई फाइनेंशियल बैंक को पैसा देगा, उसको हम दोस्तों बैंक रेट कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर क्या है दोस्तों? सीआरआर आरबीआई अमेंडमेंट बिल 2006 में आया था दोस्तों। सीआरआर इम्पावर्स आरबीआई प्रिस्क्राइब सीआरआर कैश दैट बैंक्स डिपॉजिट विद द आरबीआई विदाउट एनी फ्लोर रेट और सीलिंग रेट। मतलब कि सीआरआर वो पैसा है दोस्तों, जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, जिसपे उन्हें किसी प्रकार का ब्याज या टैक्स पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलते, और फिक्स होता है कि इतना पैसा आपको आरबीआई के पास रखना होगा, जिसको सीआरआर कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टैचुरी लिक्विड रेशियो, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है दोस्तों? ये वो लिक्विड या एसेट होता है दोस्तों, जो बैंक को अपने पास रखना होता है हर समय। कम से कम ये 25 से 40% होना चाहिए दोस्तों, चाहे ये गोल्ड के फॉर्म में रखे बैंक अपने पास, या फिर कैश के फॉर्म में रखे, या फिर सिक्योरिटी के फॉर्म में रखे, तो ये बैंक को अपने पास रखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म उधार होता है, जो हम लैंड जो आरबीआई बैंकों को देता है। जब बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत होती है दोस्तों, तो आरबीआई से वो उधार लेता है। बदले में आरबीआई को वो अपनी सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी पेपर्स को कहते हैं दोस्तों, जो दस्तावेज होते हैं बैंकों के। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? इट रेट एट विच बैंक पार्क शॉर्ट टर्म एक्सेसिज लिक्विडिटी विद आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट दोस्तों इसका उल्टा होता है। रेपो रेट में क्या होता है दोस्तों, जिसमें क्या कह रहा था, आरबीआई से जो उधार ले रहे थे बैंक, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई के पास पैसा रख रहे हैं। मतलब कि अब बैंक आरबीआई को पैसा देंगे शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMOS, ये किसे कहते हैं? जिसमें ये वो मार्केट होता है जिसमें दोस्तों आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचती है पैसे के लिए। जब मार्केट में पैसे की कमी होती है दोस्तों गवर्नमेंट के पास, तो उसकी सिक्योरिटी को आरबीआई के द्वारा बेचा जाता है, जिसे OMOS में बेचा जाता है, ओपन मार्केट सिक्योरिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।